नमस्कार, आप देख रहे हैं beforeprint.in और मैं हूं आपके साथ रंजीत झा। आज हमारे साथ बिफोर प्रिंट के स्टूडियो में है सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हेमंत कुमार। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। और हमारे साथ जो दूसरे साथी हैं वो है भारतीय अटल सेना के प्रदेश महामंत्री संदीप सिंह। स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने बैठे हैं वह है बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा। आज दिल्ली में सब तय हो गया कि बिहार एनडीए में जदयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, बीजेपी कितने पर लड़ेगी और जो उनके सहयोगी हैं लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी वह कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मतलब साफ हो गया कि बीजेपी और जदयू 17-17 बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और लोजपा को 6+1 यानी 6 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीटों का ये देकर के उन्हें तैयार किया गया है। तो मामला कुल मिलाकर एनडीए में सेट हुआ कि इस तरह से चुनाव लड़ने का जो फॉर्मूला तय हुआ है ऐसा है। लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे चीजें हैं जिस पे गौर करने वाली बातें हैं, जिस पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर महागठबंधन की बात अभी नहीं करते हैं, हम सिर्फ एनडीए की बात करेंगे कि एनडीए में जो गठबंधन है इसमें क्या हुआ कि बीजेपी जो कभी 14 में 22 सीट जीत कर आई थी और नीतीश कुमार 2 सीट पर आके रह गए थे और फिर जो लोजपा का है, तो इसमें किसको सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, बीजेपी को कहां नुकसान हो रहा है, ओवरऑल इसका नतीजा क्या निकलने वाला है और किस तरह यह फॉर्मूला तैयार किया गया, इन सब पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा में शामिल करते हैं हेमंत कुमार को। सर, आप हमें बताइए यह फॉर्मूला तैयार करने में कितना वक्त लगा और किन बिंदुओं को ध्यान में रखा गया था? रंजीत जी, आप गौर करें कि अमित शाह, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की जो आज पीसी हुई है जिसमें एनडीए के बिहार में जो एलाइज है यानी जो उनका पार्ट उनके जो पार्टनर हैं उनके बीच सीटों का बंटवारा हुआ है और उस बंटवारे के पीछे की जो राजनीति है उसको समझने के लिए थोड़ा हम लोगों को पीछे जाना होगा कि अमित शाह और नीतीश कुमार की एक ज्वाइंट पीसी हुई थी दिल्ली में 26 अक्टूबर को और आज हम जब यहाँ बैठे हैं तो यह 23 दिसंबर है, तो लगभग 2 महीने का समय बीत गया बीजेपी के अध्यक्ष को यह बताने में कि बिहार में एनडीए के जो एलाइज हैं वह कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में कुशवाहा जो एक उनके पार्टनर थे एनडीए के वह एनडीए छोड़कर बाहर चले गए, महागठबंधन में शामिल हो गए और इससे ये पता चलता है कि बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी एज ए पार्टी बिहार को लेकर के बहुत दबाव में है और जो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम जो आए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन परिणामों के वजह से भी पार्टी और बैकफुट पर गई और आज की तारीख में बीजेपी पर उसके जो एलाइज हैं बिहार में वह हावी होते जा रहे हैं। आप चिराग पासवान का प्रकरण देखें, चिराग पासवान ने अचानक हमलावर रुख अपनाया और उन्होंने सरकार से सवाल पूछने शुरू किए, नोटबंदी का असर बताइए, जीएसटी का असर बताइए और रफाल डील पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, ये तक पूछने लगे थे। इस पर तो हम बाद में बात करेंगे, पहले सर हमें ये बताएं कि जो ये फॉर्मूला जो तैयार हुआ तो क्या बीजेपी जो है वो रालोसपा के जाने का ही इंतजार कर रही थी? नहीं, मुझे लगता है रालोसपा के जाने का इंतजार भी हो रहा था क्योंकि रालोसपा के रहने न रहने से बीजेपी को उतना कष्ट नहीं था, कष्ट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को था क्योंकि आप जानेंगे कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार को लेकर के एक पर्सनालिटी का क्लैश भी है, यानी कि दोनों के व्यक्तित्व की लड़ाई भी है और यही वजह है कि जब कभी पिछला इतिहास ही बताता है कि कुशवाहा जब जब नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, उनकी पार्टी में भी रहे हैं, उनसे अलग जब गठबंधन में आए तो कभी एक दूसरे को वो लोग पसंद नहीं कर पाए, तो यह एक तरह से जदयू का दबाव भी था कि कुशवाहा अगर जाते हैं तो जाने दिया जाए, लेकिन इससे नुकसान तो एनडीए को हो रहा है। तो मैं यह बताना चाह रहा हूं कि
यह पूरा प्रकरण जो चला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बहुत ताकतवर राजनेता माने जाते हैं, लेकिन उनको भी यह घोषणा करने में 2 महीने लग गए। और बीच में क्या हुआ, जब ये जो हड़बड़ी हुई है, ये जो जल्दीबाजी दिखाई गई है, जब चिराग पासवान हमलावर हो गए और वो तरह तरह के सवाल पूछने लगे और एनडीए को नुकसान की बात करने लगे, राम मंदिर को चुनावी मुद्दा न बनाने की बात करने लगे और गिनाने लगे इन वजहों से 3 राज्यों में हार हुई है, तो अचानक इनको बैकफुट पर आना पड़ा। और आज की पीसी जो हुई उसमें देखेंगे कि चिराग पासवान वहां नहीं थे, उस पीसी में सामने नहीं है, वो शायद अगल बगल में कहीं रहे होंगे, लेकिन मीडिया के सामने, कैमरे के सामने वो खड़े नहीं थे। तो ये जो पूरा प्रकरण है, इससे ये लग रहा है कि बीजेपी को बिहार में जदयू के सामने झुकना पड़ा है। आज की तारीख में अगर देखेंगे तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो उसमें किसको क्या पाना है और क्या खोना है किसको, ये इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बीजेपी को पाना है, यानी कि उसको अपनी सरकार वापस लानी है, तो बीजेपी की सरकार अगर वापस नहीं आती है तो उससे नीतीश कुमार को क्या नुकसान होता है। नीतीश कुमार की सरकार है, उसका उनका चुनाव 2020 में होना है, तो नीतीश कुमार के लिए यह बैटलफील्ड नहीं है। नुकसान और फायदे की बात हम कर लेंगे, एक बार चर्चा में जरा संदीप जी को शामिल कर लेते हैं। तो संदीप जी, आप हमें यह बताइए, क्या बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के सहारे ही नया पार करना चाह रही है? पिछली बार बीजेपी अकेले लड़ी थी, तो ऐसी कोई वो बात नहीं है कि बीजेपी नैया पार करानी है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और बीजेपी नीतीश कुमार के सपोर्ट से अपना जो बिहार प्रदेश है उसको श्योर कर रही है, सबसे बड़ी बात ये है। और जहाँ तक एनडीए में बहुत लंबे समय तक नीतीश और बीजेपी का साथ रहा है, तो इसको वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि लेकिन एक तालमेल की बात करें तो बीजेपी बैकफुट पे अपनी नजर नहीं आ रही है, जो 22 से 17 पे आना क्या लगता है? देखिए, बैकफुट की बात कहें तो आप तीनों पार्टियां जो एक साथ, आपको अभी जैसे सर ने बता रहे थे कि बीजेपी हुआ, नीतीश कुमार हुए और एलजेपी हुए, तीनों की सीट में कमी आई है। जितने पे बीजेपी थी उससे कम पे आई है, 17 पे आ गई है। जितने पे जदयू था उससे वो भी कम पे आई है। एलजेपी रामविलास पासवान, जो कि मौसम वैज्ञानिक के रोल में हमेशा रहते हैं, उनको 7 सीटें पिछली बार थी तो उनको भी 6 दिया गया। हाँ, ये बात है कि राज्यसभा में भी उन्हें 1 सीट दिया गया है, तो जो वो पहले मौसम वैज्ञानिक की भूमिका में थे, इस बार वो मौसम बनाने की भूमिका में आ गए। मौसम बनाने की भूमिका में गए। सर, इसमें आप क्या कहेंगे कि जो लोजपा के जो सुप्रीमो है रामविलास पासवान, अक्सर जी संदीप जी भी ने कहा कि बदलते मौसम को भाप लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि मौसम को भापे नहीं है, मौसम को बनाने के चक्कर में थे, क्या लग रहा है आपको सर? निश्चित रूप से रामविलास जी के बारे में कहा जाता है कि मौसम वैज्ञानिक है, तो वो कहीं ना कहीं से उसके पीछे सच्चाई है। और रामविलास जी ने पूरे राजनीतिक सिनेरियो को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है और उसके बाद इन्होंने अपने पुत्र को आगे बढ़ाया। ये आप देखेंगे कि पर्दे के पीछे थे और इनके पुत्र पर्दे के सामने से बोल रहे थे, और ये पूरे प्रकरण में चिराग पासवान ही केंद्र में थे। रामविलास पासवान अपने बेटे को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उन्हीं को अब पार्टी की कमान अपनी विरासत सौंपना चाहते हैं, इस वजह से वो अब राज्यसभा में जा रहे हैं। राज्यसभा की 1 सीट उनकी मांग थी, और एक और मांग है यूपी वाली सीट, जिस पर बाद में हम चर्चा करेंगे, और उसका खुलासा भी बाद में होगा कि यूपी की सीट का अनाउंसमेंट आज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि और विवाद बढ़ाने की जरूरत नहीं समझ रहे थे, तो वो अनाउंसमेंट बाद में होगा जब यूपी की सीट बटेगी और वहां पर इनको 1 सीट मिलना तय है, जो इनके मित्र है सौरभ पांडे, उनके पिता के लिए। जो लोजपा की बात है कि चिराग पासवान इस बार पूरे दिख रहे हैं, इस तरह के फॉर्म में दिख रहे हैं, बार बार उन्होंने दबाव डालने की कोशिश की, फायदा जदयू को कहां मिला? रालोसपा के जाने का फायदा मिल गया या अंतिम समय में जो चिराग पासवान ने जो प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाई बीजेपी के ऊपर, एनडीए के ऊपर जो दबाव बने, फायदा कहां मिला सर? फायदा जदयू को भी है और लोजपा को भी है। देखिए, नीतीश कुमार को इस पूरे गेम प्लान को समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार के बारे में जो यह जो अवधारणा बनी हुई है कि वह उनकी उनकी जात उनका जातीय आधार, उनका वोट बैंक जो है बहुत सीमित है, तो निश्चित रूप से वो जिस जाति को बिलोंग करते हैं उसका वोट बैंक बहुत बड़ा नहीं है।
लेकिन इनका जो अपना व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व के आधार पर ये जातियों के दायरे से बाहर भी इनका वोट बैंक है। तो ये लोकसभा चुनाव जो है इस चुनाव में नीतीश कुमार को यह साबित करना है कि हम जाति के दायरे से बाहर हैं और इस जाति के दायरे से बाहर है तो हमारे पास ये वोट बैंक है और हम ये करिश्मा कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने जो अपने लिए सीटें मांगी 50-50 का जो फार्मूला तय हुआ था वो बरकरार है, 17-17 सीटें तय हुई है। तो इसमें अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में वापस आ जाती है तो सबकी चांदी है, वरना अगर एनडीए लूज करता है, नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाती है तो नीतीश कुमार के पास खोने के लिए क्या है, उनका तो बिहार सीट बचा हुआ है, लोकसभा में उनकी 2 सीटें हैं अभी, तो नीतीश कुमार के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उसी तरह अगर आप लोजपा को देखेंगे तो लोजपा के पास रामविलास जी जा रहे हैं राज्यसभा, अप्रैल में जो वैकेंसी होगी उसमें राज्यसभा चले जाएंगे ये, हाजीपुर की सीट खाली हो रही है, हाजीपुर से जो मीडिया में कयास लगाया जा रहा है कि इनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया जाएगा तो यह एक तकनीकी कारणों से भी सही नहीं है, क्योंकि वो रिजर्व सीट है और रिजर्व सीट पर उनकी पत्नी जो है सामान्य कैटेगरी की जो जाति है उसमें से आती है, तो वो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी चुनाव नहीं लड़ सकती है। जो लोग भी ये कयास लगा रहे हैं इन चीजों को चाहे तो जानबूझकर छुपा रहे हैं या उनको पता नहीं है, इस वजह से ये बात कह रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि नीतीश जी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा आकाश है जी। उसी तरह लोजपा के सामने ये विकल्प है कि अगर एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं होता है तो आगे का पूरा मैदान खुला हुआ है फिर निर्णय लेने के लिए। तो इसमें बीजेपी अपने पार्टनर्स को बनाए रखने के लिए बिहार में जद्दोजहद कर रही है, और अब जो कहा जा रहा है कि यहाँ भीड़ कम हो रही है तो एक तरह से ये अच्छा भी लग रहा है लेकिन दूसरी तरफ से खराब भी लग रहा है। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो 24 दलों का गठबंधन था और 24 दलों का गठबंधन उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से चलाया, सरकार चलाई 6-7 सालों तक, लेकिन इनके पास जो इलाज है तो क्यों इसको क्यों नहीं माना जाए कि ये गड़बड़ हो रहा है आपके साथ। अगर मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि अब बहुत भीड़ कम हो रही है, संदीप जी से पूछ लेते हैं कि एनडीए में जो सहयोगी दल है बिहार में इसकी संख्या अब कम हो गई है, मांझी चले गए, कुशवाहा चले गए, 2 पार्टियां तो निकल गई, अब फिर से 3 पार्टी की बात है, लोजपा साथ में, तो यह 3 फैक्टर आपको क्या लगता है कि एनडीए को यह फायदा दिला रहा है या जनता के नजर में इस चीज का कोई निगेटिव असर दिख रहा है? देखिए मांझी जी चले गए, उपेंद्र कुशवाहा चले गए, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एनडीए कमजोर हुआ। जहाँ एक नीतीश कुमार का अपना व्यक्तित्व जो है लंबा समय एक एज ए मुख्यमंत्री रहा है, और जहाँ तक जातिगत मुख्यमंत्री का वोट बैंक देखे तो कुशवाहा से आते हैं वो, और कुशवाहा जैसे यादव का वोट एक मुश्त होता है वैसे कुशवाहा कम है लेकिन उनका वोट भी सॉलिड होता है। इसके अलावे नीतीश कुमार का एक अच्छा व्यक्तित्व रहा है, लास्ट टाइम मैंने बहुत बढ़िया तरीके से इलेक्शन हुआ, उनका जो उनके ब्रांडिंग में पीके का नाम जो जुड़ा है उससे कुछ अब काम के बारे में विस्तार में जाना ठीक नहीं है, लेकिन उनके ब्रांडिंग बहुत अच्छी हुई है, ब्रांडिंग बहुत अच्छी हुई है जिससे उनको बहुत फायदा मिला भी है और आगे मिलेगा भी। जहां तक और जातियों का सवाल है तो उसके लिए रामविलास जी हैं और भारतीय अटल सेना क्या मैदान में उतर रही है? नहीं ऐसा नहीं है, हम एक सामाजिक संगठन है और लोगों को अगर हमारी राजनीति में कदम होगा तो यही कदम होगा कि हम लोगों को सही रास्ता दिखाएं कि अपने वोट का सही जगह इस्तेमाल। आप किसी दल के समर्थन में नहीं? नहीं, दल के समर्थन में नहीं है, हम सामाजिक संगठन से हैं और हम लोगों को सही सामाजिक सरोकार दिलाने के लिए। तो चलिए हम इसी डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि सर आज तेजस्वी यादव ने जैसे ही सीट बंटवारा का जो फॉर्मूला जो तय हुआ उसके बाद एक जोरदार हमला बोला, उन्होंने कहा कि लोजपा ने जो गेम खेला था, जो प्रेशर पॉलिटिक्स था, उसका फायदा मिल गया कि नोटबंदी और जीएसटी वाली बात, इसमें कितना दम है क्या, या ये मायने रखा था क्या? हाँ वो तो एक पॉलिटिकल बयान है उनका, लेकिन हम लोग देखें कि इसका असर तो हुआ कि जिन बातों पर
कुशवाहा की चेतावनी जिसका असर नहीं हुआ, लेकिन चिराग की चेतावनी का असर हुआ। इन लोगों ने 31 दिसंबर का डेडलाइन तय कर दिया था। ये लोग रफाल पर जेपीसी मांगने लगे थे, नोटबंदी और जीएसटी का असर पूछने लगे थे, तो इसका असर तो दिख रहा है। क्या नोटबंदी जीएसटी के सवाल पूछने से क्या बीजेपी घबरा रही है, क्या लगता है? बीजेपी घबराने की बात नहीं, अब तो जीएसटी पर सरकार ने बहुत यू टर्न ले लिया है। अब तो सिर्फ 28 चीजें जीएसटी के अंदर रह गई है, 200 समथिंग से घट करके। तो लेकिन बीजेपी के लिए एक एम्ब्रेसिंग पोजीशन ये थी कि एलाइज अगर आपसे सवाल पूछने लगेंगे तो इसका पॉलिटिकल मैसेज गलत जाता है। तो आपके गठबंधन के सहयोगी आपसे पूछने लगे कि आपने ये फैसला क्यों लिया है, ये ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या असर हुआ। हालांकि इस फैसले में मंत्रिमंडल की सामूहिक जवाबदेही होती है, तो इस फैसले में रामविलास पासवान भी शामिल माने जाएंगे, लेकिन वो सवाल पूछने लगे तो बीजेपी के लिए एक तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ गया। तो संदीप जी, आप हमें ये बताइए कि जो जैसे सर बता रहे हैं कि नोटबंदी जीएसटी का मामला जो भी है, तो क्या ये बीजेपी के लिए कमजोर नस लग रही है आपको? नहीं, कमजोर नस तो वो तो सरकार की सोची समझी मतलब उनका डिसीजन है, तो कमजोर नस तो नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी इस नस को दबाते हैं तो कुछ ना कुछ जो इनके सहयोगी को फायदा मिलेगा। ऐसा ऐसा कुछ दबाने वाली बात नहीं है। सर ने जो बात कही वो सबसे इम्पोर्टेंट लगी कि जहां तक आपकी अलायंस पार्टियां जो हैं वो सवाल खड़े करने लगती हैं तो लोगों में ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होगी, गलत मैसेज जाएगा और कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। ये सबसे बड़ा मैटर है, डिसीजन कोई गलत और ये नहीं है। सरकार का सोची समझी रणनीति या सोचा समझा डिसीजन है, उसे देश को फायदा नुकसान ये अलग मैटर है, लेकिन उनकी सोची समझी डिसीजन है उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, अभी आप देख रहे थे कि जो एनडीए में, बिहार एनडीए में जो सीट का बंटवारा हुआ है उसमें जो फॉर्मूला तय किया गया है उस पर हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे जदयू को, दो सीट जीतने वाले जदयू को 17 सीटें मिल गई हैं, और जो नीतीश कुमार 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और जो भाजपा है, बीजेपी है, बीजेपी को भी 17 सीटें, मतलब आधा था, 17-17 और 6+1 वाला फॉर्मूला तय हुआ। इसमें कई सारे फैक्टर्स अहम थे जिसपे हमने चर्चा की कि कौन कौन सा फैक्टर काम आया, रालोसपा का दबाव कितना काम आया, लोजपा का अंतिम समय में दबाव कितना काम आया, 2 महीने से चल रहा यह प्रेशर कि एनडीए में किसको कितनी सीटें मिलेंगी उस पर अब तस्वीरें साफ कर दी गई है। वजह कई रहे, और आगे भी इसमें और भी धीरे धीरे अपडेट्स आते रहेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आगे के कुछ अपडेट्स में हम बताएंगे महागठबंधन में क्या होने वाला है, वो भी अपडेट्स हम आपको थोड़ी देर में देंगे। तब तक आप बने रहिए BeforePrint.in के साथ। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।